I said thanks. Mention what? Thanks. मैंने प्रीता को थैंक्स बोला? रात को मैंने प्रीता को थैंक्स बोला यार. सब किया धरा वेस्ट हो गया. क्या कर रहा है करण? प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर है. कल मैं बीमार पड़ा तो इमोशनली वीक हो गया. इतना वीक हो गया कि प्रीता ने जो किया उसे करने दिया, ऊपर से थैंक्स भी बोल दिया. अब अगर उठने के बाद इसने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे ताने मारेगी. नहीं नहीं, आई डू वन थिंग, इसके उठने से पहले मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ. देखो महारानी को कितने आराम से सो रही है. रात को तो बड़ी बुराई कर रही थी मेरे बेड की, अब यहाँ पे घोड़े बेच के सो रही है मैडम. अभी मुंह खोलेगी तो पता चलेगा. माँ प्रीता, आज तेरी उस घर में पहली सुबह है, तू ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है. अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है. खास दिन है आज. आज का दिन? अच्छा क्यों माँ, आज में ऐसी क्या खास बात है? आज तेरी पहली रसोई है उस घर में, अपने ससुराल में. यहाँ तो तू हमेशा सुबह कई बार मेरे लिए चाय बना देती थी ना, लेकिन अब तू अपने मायके से ससुराल चली गई. अब तू वहाँ अपने हाथों से अपनी पहली रसोई बनाएगी अपने ससुराल वालों के लिए. लेकिन सुन, मीठा बनाना अपने हाथों से और उन सबको खिलाना. नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी बना लूँ, यहाँ मेरे हाथ का बना खाएगा कौन? बिल्कुल सही बात कही माँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि रसम तो अच्छी है, होनी भी चाहिए, पर आजकल आपको पता है ना कि घरों में सब लोग कितने पर्टिकुलर होते हैं, और यहाँ तो स्पेशली कोई चीनी कम लेता है तो कोई चीनी लेता ही नहीं है. तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बनाऊं और कोई खाए ही नहीं. हाँ मुझे पता है कि वक्त बदल गया है, लेकिन फिर भी बेटा, बड़े बुजुर्गों ने ये रीति रिवाज कुछ सोच समझ के ही रखे होंगे. उनका कहना था कि जब एक बेटी बहू बनकर अपने ससुराल जाती है ना, तो अगर वो अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाए ना, तो चाहे वो तेरी डाइट कर रहे हों या मीठे से परहेज करते हों, थोड़ा सा तो रीति रिवाजों के नाम पे चख ही लेंगे. और देखना, ये थोड़ी थोड़ी चीनी जब तेरे और उनके रिश्तों में घुल जाएगी ना, तो रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे. ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं मेरी माँ की बात बिल्कुल नहीं टालूंगी. ठीक है, अभी जाकर कुछ मीठा बनाती हूँ ताकि रिश्तों में मिठास रहे, है ना? मुझे पता है वैसे तुझे कुछ मीठा बनाकर अपने रिश्तों में मिठास घुलने की जरूरत नहीं है, तो बहुत प्यारी है. तेरी तो बातें ही काफी हैं, तेरी बातों में इतनी मिठास है कि कोई तुझसे कभी भी इतनी देर तक रोक के नहीं रह सकता. तू अपनी बातों की मिठास से ही उनके दिल जीत लेगी. तू कितनी प्यारी बेटी है, इतनी अच्छी बहन है, इतनी अच्छी पोती है. बस उस घर में भी ना एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बन के रहना. माँ हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, वरना मैं जानती हूँ तू ऐसा ही करेगी. जब बेटियाँ मायके से ससुराल जाती है ना, तो उन्हें एक नया घर मिलता है, एक नया परिवेश. तू आज तक जब भी लूथरा हाउस गई थी, जब चीजें ठीक थी तो बहू नहीं थी तो उनकी, अब तो बहू है बेटा. और बहू का हमेशा ये फर्ज बनता है कि वो पानी में चीनी की तरह घुल जाए, मतलब रंग ना बदले. तू उनके रंग में ढल जाए लेकिन मिठास जरूर बढ़ा दे. मिठास उन सबके साथ रिश्तों की, मिठास तेरे और तेरे पति के बीच के रिश्ते की, मिठास तेरे और तेरी सास की और बाकी सब रिश्तों की, जो आज बहुत कड़वे हैं. मैं कितनी भी मीठी बन जाऊं, लेकिन आप जितनी मीठी नहीं बन सकते. कहाँ से इतनी मीठी मीठी बातें करते हो माँ?
इतनी मीठी सीख दे तो। थैंक यू ये सीख देने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए और मेरी माँ होने के लिए। सबसे बड़ा थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, तू थैंक्स मत बोल मुझे, मुझे तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुझे पता है, फिर से वही बोलूंगी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटियां हर किसी को नसीब नहीं होती, किस्मत वालों के घर पैदा होती हैं बेटियां। और मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ जो मेरी चार चार बेटियां हैं। लेकिन सच कहूं, एक ही दिन हुआ है तुझे गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर ही सूना हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की आत्मा ही कहीं चली गई। तेरी याद आ रही है बस बहुत। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो यहाँ हूँ लेकिन मेरी आत्मा वहीं है हमारे घर में। अच्छा ठीक है, अब मैं रोऊंगी भी नहीं। और तू भी वहां पर बिल्कुल मत रोना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने तो कहा है कि आज बहुत खास दिन है, तो रोना तो बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल मत रोना, आज तेरा पहला दिन है। हंसी खुशी जाकर अपने हाथों से मीठा बनाना और सबको अपने हाथों से खिलाना। हो सकता है कोई इतने प्यार से ना खाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी चख लेगा ना रस्मों के नाम पे, तो एक नई बहू होने का तू फर्ज निभा लेगी। चल बेटा मैं रखती हूँ, जीती रहे। ठीक बाय। पहली रसोई नहीं जानती मैं, कल तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर मैं ये जानती हूं कि हम दोनों के बीच में क्या होगा। तुम्हें पता है प्रीता क्या करने जा रही है? अब क्या कर रही है? घर वालों के लिए मीठा बनाने जा रही है। मीठा बना के सबका दिल जीतेगी? तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या कर रही है वो? मैं तुम्हें समझाती हूँ, जो प्रीता कर रही है ना वो हर एक दुल्हन करती है। एक अच्छी बहू बनने की एक्टिंग कर रही है, शादी के दूसरे दिन मीठा बना रही है घर वालों के लिए, बिल्कुल सही जा रही है वो। लेकिन अगर हम चाहें ना तो ये सही काम होने से रोक सकते हैं। कैसे? उसके सही काम को गलत करके। अपनी माँ से फोन पे बात करी थी मैंने, सुना उसकी मिडिल क्लास माँ उसे पट्टी पढ़ा रही थी कि हर एक लड़की को शादी के अगले दिन घर वालों के लिए मीठा बनाना चाहिए, रिश्तों में मिठास रहती है। वो रिश्तों में मिठास घोले, उसके पहले हम कड़वाहट घोल देंगे। लेट्स गो। वाओ प्रीता भाभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सच्ची? मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी है। और आप इस घर की सीक्रेट खुशी हैं। भाभी कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर यहाँ पर, मैं तो बहुत खुश हूँ, और खुशी के मारे मैंने तो दादी से डांट भी खा ली। ये क्या कर रहे हो तुम? कप्पे मारने के लिए रखा है क्या तुम्हें? नहीं भाभी वो बस, एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, मेरी मॉर्निंग टी का है। दी तो थी मैंने आपको, चाय दी थी सबसे पहले आपको दी थी। बॉडी मिनके मैंने दी तो थी आपको, अगर एक बार चाय पी ली तो दूसरी बार नहीं पी सकती? अरे अब चाय दो। अभी देता हूँ, रुक जाओ मैं खुद ही बना लूंगी। करीना वो बुला रही तुम्हें। ओके। क्या कर रही हो? ये नमक है, गलती से भी मेरी मिठाई में पड़ गया तो मिठाई नमकीन हो जाएगी। क्या लगता है ये ऐसे मीठा बनाओगी, सबको खिलाओगी, सबका दिल जीत लोगी? कुछ नहीं होगा ऐसा, गलत लगता है तुमको। चलिन तुम्हें चाय चाहिए थी ना, अब हो गया ना, लो। और I'm sorry but please excuse me, आज मेरी पहली रसोई है, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो। आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। और तुम क्या कह रही थी? कि मैं मीठा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इस परिवार का दिल जीतना चाहती हूँ।
नहीं, कुछ लोगों की तरह मैं स्वीट बनाकर लोगों की स्वीट हार्ट नहीं बनना चाहती हूँ। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है। आज शादी के बाद मेरा पहला दिन है तो मुझे रसोई में कुछ मीठा बनाना है। अब धर्म पत्नी हूँ तो धर्म तो निभाना पड़ेगा। So that's why. पहली रसोई बना रही है, अगर मैं इसे ही चला दूं तो फिर क्या बनाएगी? और मैं घर वालों को जाके कह दूंगी कि काम चोर है, इसीलिए जलने का नाटक कर रही है और पहली रसोई की रसम भी नहीं निभाई इसने। मायरा, तुम्हारी चाय। मायरा, तुम्हारी चाय। क्यों खड़ी हो? अरे तुम्हारी जोड़ीदार के हाथ पे चाय गिर गई है, बहुत गर्म थी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी उसे। जाओ। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूँ, बहुत काम आएगी। नमक होता है ना, सब्जियों में डलता है, मीठे में नहीं। शर्लिन, एटीट्यूड देखा तुमने उसका? तेवर तो दिखाएगी ना, इस घर की बहू जो बन गई है। शर्लिन, हमारा प्लान था उसकी मिठाई की धज्जियाँ उड़ाने का, हमारा प्लान फेल हो गया है। वो पहले से अलर्ट थी, अब और अलर्ट हो गई है। मैं नहीं चाहती कि प्रीता बहुत स्मार्ट लड़की है, उसे पता है कि तुम और मैं इनोसेंट नहीं है, सीधी साधी लड़कियाँ नहीं है, इसलिए वो इतनी अलर्ट थी। उसे फंसाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। शर्लिन देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि प्रीता कुछ भी करे ना, इस घर में कोई उसके बारे में अच्छा ना सोचने लगे। मायरा, तुम बहुत तेज बोल रहे हो, कोई हमारी बात सुन लेगा। चलो यहाँ से। भाभी जी, आपका फोन बज रहा है, वो आपकी माँ का फोन है, डिस्प्ले पे लिखा हुआ माँ आ रहा है। अच्छा अच्छा, माँ फोन कर रही है। गिरीश भैया, एक काम करोगे आप, प्लीज ये कड़छी से हलवे को घुमाते रहोगे? हाँ, घुमाते रहूंगी। आइए ना। ओह, आज जब मैं मिठाई बना रही हूँ, इस नमक का यहाँ कोई काम नहीं। तुम अभी भी यहाँ पर हो? दादी कब से बुला रहे हैं, उन्हें पानी चाहिए, जाओ पानी देकर आओ। भाभी प्लीज आप दे दो ना, मैं यहाँ पर बिजी हूँ। प्रीता भाभी ने बोला कि इस हलवे में कड़छी चलाते रहना। हाथ के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। गिरीश, तुम्हारी प्रीता भाभी मेरी देवरानी है और मैं अपनी देवरानी के लिए इतना सा काम तो कर ही सकती हूँ। तुम जाके दादी को पानी दो, मैं हलवे का ध्यान रखूंगी। ठीक है भाभी जी। क्या हुआ? प्रीता का फोन। तो फोन का क्या करें? दुनिया में जो सारे कांड होते हैं ना, वो फोन की वजह से ही होते हैं। चलो समझाती हूँ। अब प्रीता ने अपने फोन में पासवर्ड भी नहीं रखा है, तो हम कॉल करेंगे किसको? प्रीता की माँ को, और एक रिंग देके काट देंगे। उसके बाद डायल से उसकी माँ का नंबर भी डिलीट कर देंगे। उससे क्या होगा? जैसे ही सरला अपनी बेटी का मिस कॉल देखेगी ना अपने फोन पे, वो इमोशनल फोन अपनी बेटी को कॉल करेगी। और प्रीता किचन तो क्या, अपनी परछाई छोड़ के भी यहाँ पर आ जाएगी अपनी माँ से बात करने के लिए, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे ज्ञान दिया कि लूथराज को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है। सोचो कि पता नहीं माँ और कौन सी नई गुड्डी बढ़ा देगी।
तुम जल्दी से जाओ, गिरीश को जाके किसी भी बहाने से किचन से निकालो और इस रूम की तरफ लेकर आओ। तब तक क्या पता सरला फोन कर दे, और जैसे ही तुम रूम क्रॉस कर रही होगी ना, गिरीश को बोला कि अरे प्रीता का फोन बज रहा है। वो जैसे ही चेक करेगा कि प्रीता की माँ कॉल कर रही है, वो झट से जाके प्रीता को बुला लेगा और प्रीता सब कुछ छोड़ के किचन से निकल जाएगी। फिर हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है? बस मायरा जल्दी से गिरीश को यहाँ पर लेकर आ जाए, क्योंकि वो सरला का कॉल कभी भी आ सकता है। एक्चुअली मेरे रूम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप एक बार देख के उसको सॉल्व करवा दीजिए। हाँ, मैं भी देखता हूँ। अरे फोन बज रहा है किसी का, आई थिंक प्रीता का है। मैं तो इस कमरे में जाऊंगी नहीं, आप देख के उसे इन्फॉर्म कर दीजिए। इतना आसान है इन लोगों को इमोशनल फूल बनाना। गिरीश ने आके कहा कि प्रीता भाभी आपकी माँ का कॉल आ रहा है और वो चली गई, और गिरीश को हमने कहा कि दादी बुला रही, वो भी चला गया। अब हम जल्दी से वो काम करते हैं, हम करने आए। हाँ, पर शर्ले नमक यहीं पर रखा था, कहाँ है? ओके फाइन, अगर नमक नहीं तो क्या हुआ, लाल मिर्ची तो है, मतलब गाजर का हलवा, इसमें लाल मिर्ची डालेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। खाने के बाद लोगों की मुझसे वाहनी आ निकलेगी। परफेक्ट, चल। नहीं शालिन, ये पहली रसोई की रस्म मुझे भी करनी है। सुनो ना, शादी तो मेरी होने वाली थी ना, वो प्रीता ने तो धोखा दिया है, धोखे की शादी है वो। अगर मेरी शादी हो गई होती तो ये सब रस्म तो मैं ही कर रही होती ना। मुझे ये करना है शालिन, प्लीज मुझे हर वो रस्म करनी है जो नई दुल्हन करती है। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर, मैं ये करूँगी। और फिर देखना, सबको पता चल जाएगा कि बेस्ट कौन है। ठीक है। मेरा फोन कहाँ? माँ के दो मिस कॉल्स। ठीक से तय करना सृष्टि, कैसे ऐसे आड़े तरीके से मत कर। बहन जी, कितनी देर से आपको बोल रही हूँ, थोड़ा आराम कर लो, अब सुनते क्यों नहीं हो? कितनी देर से आपने सिर्फ दो ही फल्ली काटी है। मुझे पता है, जब से प्रीता ने फोन नहीं उठाया है ना, तब से आप सोचों में डूबे हुए हो। ओए, दीका फोन आ गया शायद। रुक जा, मैंने बोला था ना दीका फोन है। दे 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 दे, लगा दिया, चल दे। फोन को काट दिया? क्योंकि मां, इस फोन में सिर्फ दी की आवाज सुनाई देती है। आपको दी को देखना नहीं है क्या? तो फिर मैं करती हूँ ना अपने फोन से वीडियो कॉल यार। लगा। अच्छा सर, रानी आंटी साथ में मिलकर बात करेंगे। दिखलाए मेरी बार भी डॉल की ही सियाड़ी है, मेरे पुत्र को नजर ना लगे। बस कर तू जानकी, इसे किसी की नजर नहीं लगेगी। हाँ हाँ, बहुत सियानी नहीं है ये, कुछ भी आता नहीं है इसे, झल्ली है झल्ली, और झल्लियों को ना किसी की नजर नहीं लगती। हाय दी, देखो ना यार, मम्मा कैसे परेशान कर रहे हैं मुझे, झल्ली झल्ली बोल रहे हैं। आप जब से गए हो ना, तब से और गुस्से में आ गई है मम्मा। अभी उसे गए हुए एक दिन नहीं हुआ, तू मेरी शिकायतें कर रही है। ये जब देखो ना मेरी शिकायतें करती रहती है, तुझे पता है ना, इतना तंग करती है ना ये लड़की मुझे, बात ही नहीं करने देगी। देख फोन। अरे ओए, मैं खुद बात करूंगी अपनी बेटी, चुप कर। हमें भी मैं बता रही हूँ, मैं जाकर वहाँ दूर खड़े होकर बात करूंगी, तुम दोनों मुझे बात भी नहीं करने दोगे। अगर मेरे पीछे आई ना तो एक जोर का थप्पड़ खाएगी, और तेरा तो मैं तब से अभी बंद कर दूंगी, और फिर वो हाल करूंगी तो देखना। चुप हो जाओ दोनों। इस घर में ना तेरे से बात करना तो मतलब, अरे मैंने उसे कहा कि थप्पड़ मारूंगी तब जाके वहां बैठी है पीछे। ना पुत्र, मुंह ना फुला, इतनी सी बात पर दिल छोटा कर रही है क्यों? तू तो मेरे बार भी डॉल है बेटा, टेंशन ना ले, जानकी है ना तेरी टेंशन लेने के लिए। भूखी तू सबके लिए छोटी, और मेरे लिए तो सबसे बड़ी। थैंक यू सो मच जानकी आंटी, इसलिए तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मेरी फाइट नहीं, मेरी हाइट देखो, हाइट। टेबल पे खड़े रहने से हाइट नहीं बढ़ जाएगी, नीचे उतरो। दिखाई नहीं दे रहा था ना ठीक से। अच्छा, तू तेरा मुंह है। ओके ओके। अरे इन दोनों का तो चलता ही रहता है, तभी तो तुझे हंसी आ रही है ना। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। और जो आपने कहा था वही कर रही हूँ, पहले रसोई बना रही हूँ सबके लिए, गाजर का हलवा। ओह,
मैंने तो गैस पर दूध चढ़ाया हुआ, भूल ही गई। स्यापा। कितना अच्छा लगता है मुझे, मैंने तुझसे ये रस्म रिवाज निभाने के लिए कहा और तू मेरी बात मान गई। वैसे भी तू तो इतना अच्छा बनाती है मीठा, देखना सब लोग ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बेटा आजकल ये शादियों के बाद सब लोग वो रखते हैं ना रिसेप्शन, तो लूथरा हाउस में भी क्या वो लोग ऐसा सोच रहे हैं रिसेप्शन रखने के बारे में? रिसेप्शन? नहीं माँ, यहाँ रिसेप्शन थोड़ी होगी। रिसेप्शन तो वहाँ होती है जहाँ अच्छे से शादी होती है, दो परिवार मिलते हैं, सब बहुत खुश होते हैं, फिर रिसेप्शन देते हैं। यहाँ तो आपको पता ही है ना, बस शादी हो गई, जिनको पता लगना था पता लग गया। हाँ वो तो है, फिर भी मुझे लगा कि शायद वो लोग, चलो कोई बात नहीं, रिसेप्शन नहीं रख रहे तो क्या हुआ, तो सबको अपने हाथों से मीठा बना के खिलाना, रिश्ते धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे।